हाय गाइस, माय नेम इज रणित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो कल हमने पढ़ा था बेसिक्स के बारे में, पढ़ा था हमने बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में और कक्षा 11 और कक्षा 12 इन दोनों के सिलेबस के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे कक्षा जो 11 है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है जीव जगत में विविधता, उसका पहला चैप्टर जीव जगत के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो या जो टॉपिक है अपना उसको स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, किन किन चीजों के बारे में आप सीखोगे। जो चीजें आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप पहली बार रूबरू होगे। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो आपको जो है यहाँ पर पता चलेगा कि जीव जो होता है, जीव है क्या, सजीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं। जीव जगत में हम विविधता पढ़ेंगे इसके अंदर कि जीव जगत में विविधता किस प्रकार की है, किस प्रकार से, किस बेसिस के आधार पर जो जीव होते हैं उनको बांटा गया है। फिर हम पढ़ेंगे उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से जो बेसिस होते हैं उन्हीं के आधार पर जीव को बांटा गया है, कौन कौन से ऐसे लक्षण है जिनको लेकर जीव को डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। अगला बात करेंगे वर्गीकरण संवर्ग कौन कौन से है कि भैया जैसे कि आपने पढ़ा होगा मनुष्य का जैसे कि वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सेपियंस, तो क्या होता है होमो वंश हो गया, सेपियंस जाति होगी। तो इसी प्रकार के जो संवर्ग है इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और बात करें तो वर्गीकृत सहायता साधन कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से ऐसे साधन अवेलेबल है जिनका उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं वर्गीकृत, यानी कि जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो ये आपका चैप्टर होगा फर्स्ट जिसके बारे में हमको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और ये सबसे बेसिक है जो चैप्टर है, ये ही बायोलॉजी की स्टार्टिंग है। क्योंकि देखिए बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान। जो आपको जीव के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उसके बारे में क्या अध्ययन कर लेंगे, क्या विज्ञान जान लेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जीव क्या है और सजीव के कौन कौन से लक्षण है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीव के बारे में। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको अगर मैं बोलूं कि आपके आसपास देखो तो आप क्या चीज नोटिस कर पाओगे, आपको दो चीजें दिखाई देंगी भाई। या तो कुछ जो चीजें दिखाई देंगी वो या तो सजीव होगी और या कुछ चीजें दिखाई देंगी वो निर्जीव होगी। अब ऐसा तो है नहीं कोई तीसरी चीज आ जाएगी भाई, जैसे कि मैं हूं, मैं इस रूम में अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या है अभी कुछ, मेरे पास कोई सजीव नहीं है, आसपास कोई सजीव, सारी की सारी चीजें क्या है निर्जीव ही है। तो ऐसे ही जो आपके आसपास आप देखोगे या तो आपको सजीव दिखाई देंगे या फिर आपको निर्जीव दिखाई देंगे। यानी कि अगर बात करें इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो ही चीजें, या तो सजीव है या निर्जीव है। अब सजीव और निर्जीव में हमने डिफरेंस कर लिया था पिछली कक्षाओं के अंदर ही जो आप पढ़ के आओ स्टार्टिंग में, क्योंकि निर्जीव को अपन तो पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि अपन क्या पढ़ेंगे, अपन तो सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ेंगे और जीव विज्ञान मतलब जीव के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं जीव की। तो कल हमने बात की थी जीव, तो जीव क्या होता है, जीव या तो हो सकता है एनिमल हो सकता है या फिर प्लांट हो सकता है। भाई दो ही तो जीव है, या तो कोई एनिमल होगा या प्लांट होगा, या तो प्राणी होगा या फिर पादप होगा। जीव को अगर बांटे जीव क्या है तो एनिमल है या प्लांट है, ठीक है। अब अपन अपना जो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो जीव होता है यानी कि जो सजीव है भाई, सजीव को भी अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं तो सजीव ही क्या है, जीव है, जिसमें जीव है ना वही तो सजीव है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं जिस आधार पर कह सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं सजीव हूं और ये जो मार्कर है ये निर्जीव है, तो कौन कौन से ऐसे लक्षण मेरे में होंगे, मुझ में होंगे, जो डिफाइन करेंगे कि मैं सजीव हूं। कौन कौन से लक्षण ऐसे होंगे जो मार्कर में नहीं होंगे, तो या जो अपना वाइट हो रही है ये भी निर्जीव है, इसमें नहीं होंगे, तो उन लक्षणों के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे जो पहला लक्षण है सजीव के बारे में, ये है ग्रोथ। सेकेंड लक्षण अपन पढ़ेंगे मेटाबोलिज्म के बारे में। थर्ड अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, होम्योस्टेसिस के बारे में और उत्तेजनशीलता यानी इरेटेबिलिटी के बारे में। एंड सिक्स जो अपना है एबिलिटी ऑफ शो ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसके बारे में। ये छह लक्षण है। अब देखिए, ये टोटल छह लक्षण नहीं है, बट क्या है, ये छह लक्षण ऐसे लक्षण है जिनके द्वारा दूसरे लक्षण जुड़े हुए हैं। तो अगर अपन ये छह लक्षण पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो अपन को पूरे टॉपिक्स का जो सार एक तरीके से अपन कह सकते हैं वो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से लक्षण होते हैं सजीव के अंदर। क्योंकि क्या है, बाकी जो लक्षण है वो भी क्या इन्हीं के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने फर्स्ट लक्षण के बारे में। सबसे जो पहला है
तो सबसे जो पहला लक्षण होगा ग्रोथ, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहां पर, ये है ग्रोथ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं ग्रोथ के बारे में, चर्चा तो करें अपन। तो लेते हैं, ये रहा व्हाइट बोर्ड, ये रहा मैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी ग्रोथ में अपन देखेंगे कि ग्रोथ कौन कर सकता है? सबसे पहली बात तो क्या व्हाइट बोर्ड, ये जो अपना व्हाइट बोर्ड है ये ग्रोथ कर रहा है क्या? आप इसको एक साल के बाद देखोगे आके, तो क्या आपको ये और बड़ा मिल जाएगा, और चौड़ा मिल जाएगा, और मोटा मिल जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर बात करें तो सजीव में जो होता है ये तो ग्रोथ होती है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती है। चलिए ये बात अपन को समझ में आई कि भैया सजीव ग्रोथ करते हैं, निर्जीव ग्रोथ नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सजीव के अंदर भी ग्रोथ दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार की कौन सी? एक तो बाहरी ग्रोथ और एक होता है आंतरिक ग्रोथ। ठीक है, बाहरी ग्रोथ का मतलब क्या है? बाहरी ग्रोथ का मतलब है कि जैसे कि मेरी हाइट जो है 5 फीट 9 इंच है, 5'9" या 5'8" मेरी हाइट है, मेरा जो बॉडी है इसका वेट कितना है? इसका वेट होगा 52 kg के समथिंग वेट है। तो ये क्या, ये मेरे बाहरी कैरेक्टर्स हैं, ये शो करेंगे ग्रोथ को। और आंतरिक का क्या मतलब होता है? आंतरिक का मतलब होता है कि जो मेरे अंदर, जैसे कि बात करें सेल्स होगी या जो लिवर्स है, आंतरिक के अंदर अपन बात करें तो जो मेरे अंदर जो लिवर है या जो सेल है उनकी मैकेनिज्म किस प्रकार की है, ये होगी आंतरिक ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि मैंने ग्रोथ किया नहीं की, जैसे कि अपन देखते हैं अभी मेरा वेट है 52, तो अब 2 महीने बाद मेरा वेट हो जाता है 60, तो मेरे अंदर कौन कौन सी ग्रोथ हुई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ग्रोथ जो हुई है मेरी, ये भारी हुई है, 60 kg जो हुआ बड़ा है मेरा, ये क्या भारी ग्रोथ है। अगर अपन बात करेंगे अब किस बारे में, अपन बात करते हैं अब भाई जैसे मेरा वेट बढ़ा है, वेट बढ़ा कैसे? क्योंकि मेरे अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ चुकी है, यानी कि कौन सी ग्रोथ हुई है? आंतरिक। तो यानी कि क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जो सजीव होता है उसके अंदर ग्रोथ तो होती है, वो भारी होती है और आंतरिक भी होती है। इस प्रकार से 2 प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है सजीव के अंदर। तो सजीव का जो पहला लक्षण था वो कौन सा लक्षण था? ग्रोथ। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके आधार पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई सजीव है या नहीं है? देखिए मैं बात करता हूं, जैसे कि अपना एग्जांपल लेते हैं व्हाइट बोर्ड। अब क्या व्हाइट बोर्ड भोजन करता है क्या? अगर भोजन करता है व्हाइट बोर्ड, अपन सेकंड ये पढ़ रहे हैं कैरेक्टर, ठीक है मेटाबॉलिज्म, तो व्हाइट बोर्ड क्या भोजन करता है? भोजन करता है तो अगर के जो भोजन के टुकड़े होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है या किसी पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी कोई क्रिया कोई भी निर्जीव चीज कर ही नहीं सकती कि वो भोजन ग्रहण करे, कुछ उसको कोई जो बड़े बड़े पदार्थ में, कोई छोटे छोटे पदार्थों में तोड़े खुद के अंदर, ये चीजें निर्जीवों में नहीं होती है, ये चीजें होती हैं सजीवों के अंदर। जैसे कि बात करें मैं हूं, मैंने सुबह 5 पराठे खाए, ठीक है, मैंने मतलब मैंने क्या करा, भोजन करा, ठीक है, हालांकि झूठ है, मैंने 5 पराठे नहीं खाए, तो भोजन करा मैंने सुबह, ठीक है। तो मैंने जो भोजन करा तो मैंने क्या करा, जो भी जटिल भोज्य पदार्थ था उसको किसमें तोड़ा? सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा, और कुछ पदार्थों का मैंने निर्माण भी किया भाई, जैसे कि प्रोटीन मैंने खाया तो प्रोटीन से एमिनो एसिड्स बनेंगे मेरे अंदर, तो कुछ पदार्थों का संश्लेषण किया और कुछ पदार्थों को मैंने क्या करा, तोड़ा, यानी अपघटन किया, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने किया कैटाबॉलिज्म, यानी कुछ पदार्थों को तोड़ा, और एनाबॉलिज्म यानी कुछ पदार्थों का निर्माण किया। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये प्रोसेस किसके अंदर पाई जाती है? निर्जीव के अंदर पाई जाएगी या सजीव के अंदर पाई जाएगी? क्या बॉडी के अंदर ये चीजें होती है क्या? भोजन करता है, कुछ पदार्थ टूटते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ संश्लेषण की क्रियाएं होती है, कुछ अपघटन की क्रियाएं होती है, होता है? बिल्कुल नहीं होती। ये निर्जीव के अंदर बिल्कुल नहीं होगी, ये किसके अंदर होगी? सजीव के अंदर होगी। तो बात क्या करें, ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, ये क्या सजीव के मूलभूत गुण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अपना जो है अगला, रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि मैं ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्या अगर इसके अंदर जनन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो अगर पाया जाता तो मेरे पास दोबारा मेरे को किसी चीज मार्कर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। मैं क्या करता, मैं भाई मेरा मार्कर तो जनन कर लेगा, जनन करने से क्या होगा, दूसरा मार्कर आ जाएगा मेरे पास, तो
ये चीजें होती है कि नहीं रिज्यूम में? बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो जो अगर बात करें जो जनन है, ये जनन किसका मूलभूत गुण है? ये सजीवों का मूलभूत गुण है। मतलब ये कि जो जनन है यानी कि जो अपने समान संतति उत्पन्न करने का जो गुण होता है, ये गुण किसके अंदर होता है? ये होता है सिर्फ सजीवों के अंदर, ये आपको निर्जीवों में नहीं मिलेगा। यानी कि एक और बात करें भाई, जो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है यानी कि जो डीएनए का प्रतिकरण यानी अपने समान डीएनए बनाना, ये किसमें होता है? ओनली फॉर सजीवों के अंदर होता है। भाई जैसे कि अभी मैं हूं तो मेरे कुछ कैरेक्टर मेरे मम्मी पापा के जैसे हैं, कुछ बाहर के जैसे हैं, तो क्या हुआ? जनन के द्वारा जो डीएनए का प्रतिकरण जो हुआ है यानी कि जो रेप्लिकेशन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? जनन के कारण ही हुआ है, क्योंकि उससे क्या हुआ, मेरे जो माँ बाप थे उन माँ बाप से कुछ डीएनए मेरे अंदर आया, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ उसी माध्यम से तो आया। अब ये चीजें किसमें होती है? ये चीजें सजीवों में होती है निर्जीवों में होती है? ये चीज व्हाइट बोर्ड में होगी कि मेरे में होगी? ऑफकोर्स मेरे में होगी, क्यों? क्योंकि मैं सजीव हूं। और ये सारे कैरेक्टर्स क्या डिफाइन करते हैं कि मैं एक सजीव हूं। चलिए, तो इस प्रकार से जनन जो होता है ये सजीवों का मूलभूत गुण होता है। जो जनन है वो सजीवों के अंदर ही पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म सजीवों का मूलभूत गुण है। ग्रोथ जो है ये सजीवों का मूलभूत गुण है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, होमियोस्टेसिस यानी कि साम्यावस्था के बारे में। तो भैया साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था का मतलब है कि भाई जो बाहर का वातावरण है वो कैसा भी हो, हम जो अपने आप को अनुकूल रख पाते हैं। जैसे कि बात करें तो जैसे कि बात करता हूं भाई, बाहर जैसे कि अगर 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो भी जो मेरी बॉडी है वह इस प्रकार से अनुकूलित हो जाएगी या साम्य में चली जाएगी कि जो मैं है, जो मैं खुद हूं, ये भारी वातावरण के साथ क्या कर लेगा? साम्य स्थापित कर लेगा। ये चीज क्या कहलाती है? होमियोस्टेसिस कहलाती है। और ये गुण किसमें होता है? ये गुण होता है सिर्फ सजीव के अंदर, ये गुण निर्जीवों में नहीं पाया जाता है कि अपनी बॉडी को भारी वातावरण के हिसाब से कोई अनुकूल कर ले, उसके साथ साम्य बिठा ले। भाई जैसे कि आपने देखे हैं भाई, सर्दियों के दिनों में बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, अपन कर लेते ना, मतलब अपन कॉम्प्रोमाइज क्या, मतलब साम्य व्यवस्थित कर देते हैं। भाई जैसे कि बाहर सर्दी पड़ रही है तो अपन क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इस प्रकार से अनुकूलित कर लेते हैं अपन कि अपन को ज्यादा सर्दी नहीं लगती है, अपन को उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है साम्यावस्था या होमियोस्टेसिस। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो भी आपके जो शरीर है, ये शरीर का बाहरी जो वातावरण है उसके साथ साम्य बैठा लेना, ये चीज क्या कहलाती है? इसी को कहते हैं साम्यावस्था यानी होमियोस्टेसिस कहते हैं। और ये किसका गुण है? ये सिर्फ और सिर्फ सजीव का गुण है। ये आपका गुण है, ये मेरा गुण है, ये हर सजीव का गुण है, ये किसी भी निर्जीव चीज का गुण नहीं है, ठीक है। चलिए ये टॉपिक अपना फोर्थ, ये भी सजीव का गुण हो गया। अब बात करते हैं अपन उत्तेजनशीलता यानी इरिटेबिलिटी। भाई उत्तेजनशीलता नॉर्मली देखो, इस पर ध्यान दो तो उत्तेजन हो जाना यानी कि किसी भी चीज के प्रति रिस्पॉन्स करना, ये क्या कहलाता है? उत्तेजनशील होता है। और उनका गुण ये उत्तेजनशीलता कहलाता है। अब ये गुण किसके अंदर पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उत्तेजनशीलता का गुण जैसे कि मैं बात करता हूं, ये मार्कर है, ये जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, दिख रहा है आपको, मैंने इसको ये मारा, इसने कुछ रिस्पॉन्स किया क्या? कुछ अनुकूल किया, कुछ अनुक्रिया प्रदर्शित की इसने, कुछ रिस्पॉन्स शो किया क्या इसने? इसने मेरे को गाली दी क्या व्हाइट बोर्ड ने कि तूने मेरे को मारा क्यों? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं किसी गर्म तवे पे हाथ रख देता हूं, या जैसे मैं किसी गर्म वस्तु को छू लूं, या जैसे मेरे कुछ सुई लग जाए, जैसे ही मैं खुद को टच करूं, मार्कर से मारूं, तो मेरी जो बॉडी है वो क्या करेगी? कुछ अनुक्रिया प्रदर्शित करेगी, कुछ रेस्पॉन्स दर्शाएगी, मेरी जो ये उत्तेजनशील होगी। अब ये चीजें किस प्रकार से होगी? देखिए भाई, जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि मेरे को लगी सुई, ठीक है, मेरे को लगी सुई, इससे क्या हुआ भाई? इससे दो चीज होंगी, एक तो जो है मेरे भाई जो है वो शो करेगा, अनुक्रिया करेगा, और जो मेरा आंतरिक जो हिस्सा यानी कि जो माइंड है, ब्रेन है, वो भी क्या करेगा? रिस्पॉन्स शो करेगा। अब ये चीजें निर्जीव में होती है क्या? निर्जीव के अंदर ब्रेन थोड़ी होता है जो रिस्पॉन्स करके बताएगा कि भैया सुई लग रही है, हटा लो इसको। ये चीजें किसमें होती है? ये चीजें सिर्फ और सिर्फ सजीव में होती है। यानी कि बात करें
तो जो इरिटेबिलिटी का जो गुण होता है, यानी कि जो उत्तेजनशीलता का जो गुण होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? सजीवों के अंदर होता है। चलिए ये चीज में अपन समझ चुके हैं भाई उत्तेजनशीलता क्या होती है। भाई उत्तेजनशीलता का अगर अपन बात करें नॉर्मली, अगर वर्ड की बात करें, तो उत्तेजनशीलता होती है ये क्या है कि भैया कोई भी जो बाहर अनुक्रिया हो रही है उसके प्रति हम किस प्रकार से शो करने जा रहे हैं, किस प्रकार से उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं और स्वयं को उसके अनुकूलित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज क्या है, इसी को उत्तेजनशीलता कहते हैं। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं अपना छठा जो कैरेक्टर है। छठा जो अपना कैरेक्टर है ये जीव विकास की क्षमता। जीव विकास की क्षमता मतलब की बात करते हैं अपन, ये जीव विकास, ठीक है, इसकी जो क्षमता है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एबिलिटी ऑफ शो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि जीव विकास की क्षमता। भाई जैसे कि अपन बात करें इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो जीवों में होता है ना ये विकास की क्षमता होती है। कब होती है? समय के साथ। समय के साथ क्या होता है, जीवों के अंदर विकास होता जाता है। जैसे कि बात करें हमारा जो पूर्वज है, यानी कि जो हमारे पूर्वज है ये कौन है, बंदर जाति, जो मंकीज होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं। या कोई भी जो प्राणी होगा उसका जो पूर्वज होगा उससे जो वर्तमान में वो है जो प्राणी है वो क्या होगा, ज्यादा विकसित होगा। जैसे कि हम क्या कहें, अभी अगर मैं बात करूं कि इस धरती पर सबसे ज्यादा जो विकसित अगर बात करें जो एनिमल है वो कौन है, हम मनुष्य, हम होमो सैपियंस, ये तो सबसे ज्यादा विकसित है। लेकिन हम कब विकसित हुए, हम विकसित हुए समय के साथ। भाई जैसे कि पहले अगर बात करें तो पहले क्या था, अपने जैसे अपने एवोल्यूशन पढ़ा ह्यूमन का एवोल्यूशन, उसमें पहले हम बंदर जाते कहते, पहले हम घुटनों के बल चलते थे, फिर थोड़ा सीधा खड़े होने लगे, फिर और विकसित हुआ और विकसित हुआ और विकसित हुआ, और आज हमारे जो सामने जो 2001 ये जो 20 का जो मनुष्य ये सबसे ज्यादा विकसित है। तो ये चीज क्या है, ये शो करके जाती है जीव विकास की क्षमता को, यानी एबिलिटी ऑफ शो ऑफ ऑर्गेनिक एनवेलप एवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि समय के साथ जीव क्या करता है, अपने आप के अंदर विकास करता है। चलिए अब इसको बात करते हैं ये कैसे डिफाइन करता है कि हम सजीव है। देखिए ये चीज मेरे में हो रही है, भाई जैसे कि मैं विकास करके आया हूं, भाई जैसे कि पहले मेरे जो पूर्वज थे वो कौन से थे, मेरे हो गए, आपके हो गए, सबके पूर्वज कैसे थे, मंकी थे, या जो भी गोरिल्ला वगैरह के जो वंशज थे वो ऐसे थे कि वो झुक के चलते थे, उनमें का जो दिमाग था ज्यादा विकसित नहीं था। बट आज जो हमें ज्यादा विकसित है, आज हमारी सोचने की समझने की सारी क्षमताएं जो है वो उस लेवल पे है जो पहले नहीं हुआ करती थी। चलिए अब बात करता हूं मैं व्हाइट बोर्ड के बारे में। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आओ, तो जो व्हाइट बोर्ड है ये समय के साथ विकसित होगा क्या, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा भविष्य में कि व्हाइट बोर्ड पर मैं बिना मार्कर के लिखने लग जाऊंगा, ये अपने आप ही मार्कर चलने लग जाएगा, इस पर कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, इस पर क्या विकास होगा इसका, नहीं होगा। तो जो जीव विकास की जो क्षमता होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, सजीवों के अंदर होती है, ये निर्जीवों के अंदर नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर अपने क्या डिफाइन किया है, अपने डिफाइन किया है सजीव में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो मूलभूत कैरेक्टर थे, यानी कि इसके अंदर ही क्या मैनली आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे जिनसे क्या है सजीव के अंदर क्या है आप डिफरेंस कर सकते हो, ये बता सकते हो कि कोई सजीव है तो क्यों है, मैं सजीव हूं तो क्यों हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये सारी चीजें जिसके अंदर होगी वो खुद क्या सजीव है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे सजीव के जो हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य लक्षण, क्योंकि और भी तो क्रियाएं होती है, और भी तो कुछ संगठनात्मक और कुछ क्रियात्मक लक्षण होते हैं सजीव के अंदर, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। तो चलिए बात करते हैं कुछ अन्य कैरेक्टर के बारे में जो सामान्य कैरेक्टर है, ये भी क्या है, इनके आधार पर भी आप बता सकते हो कि कोई अगर सजीव है तो क्यों है और निर्जीव है तो क्यों है। चलिए बात करते हैं कुछ सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षण है। तो सबसे पहले बात करते हैं निश्चित आकृति एवं आकार। भाई देखिए आप देखोगे कि किसी भी जो सजीव है उसका आकार फिक्स होता है, उसकी आकृति फिक्स होती है, निश्चित होती है। जैसे कि मैं मनुष्य हूं, अब हम सभी मनुष्य का आकार एंड आकृति तो फिक्स है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ बड़ा हो सकता है और कुछ छोटे हो सकते हैं वो, बट जो शेप है और जो आकार है ये तो सेम ही है। जैसे कि मैं हो गया, मेरी हाइट अभी कितनी है, 5'9" है, तो मैं क्या हूं, एक फिक्स आकृति का हूं। ऐसा तो है नहीं कि
मेरे चार हाथ हो जाएंगे बाद में जैसे मेरा आकार बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर जो सजीव होगा उसकी आकार फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि लेकिन अपवाद स्वरूप है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामिशियम हो गया, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव है, इनकी आकृति एंड आकार फिक्स नहीं होता, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं सारे संगठन के बारे में। तो भैया देखिए, हम सजीव का सारे संगठन भी होता है, फिक्स होता है। सारे संगठन में क्या है भैया, तो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। जो एक कोशिकीय होगा उसमें तो सिर्फ एक सेल होगी जो सारे फंक्शन करके जाएगी उस जीव के, ठीक है। बट हम बहुकोशिकीय, हमारे अंदर क्या होता है, सेल होती है जो ऊतक बनाती है, ऊतक फिर अंग बनाते हैं, अंग फिर तंत्र बनाते हैं, तंत्र बना के पूरे जो सिस्टम का निर्माण करता है। और इस प्रकार क्या होता है, किसी भी सजीव का निर्माण होता है। तो क्या होता है, सबका शारीरिक जो संगठन होता है ये अलग अलग होता है। अब निर्जीव में ऐसी चीजें होती है क्या, निर्जीव में होता है क्या, सेल होती है, ऊतक का निर्माण होता है कि नहीं होता ना, ये सब किसके अंदर होता है, सजीव के अंदर। कोशिका संरचना इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी आ जाएगा कि हम जो सजीव होते हैं उनके पास क्या होती है, कोशिका संरचना होती है, कोशिका होती है जो संरचनात्मक इकाई भी होती है और क्रियात्मक इकाई भी होती है। यानी कि हम मिलकर भी किससे बने, कोशिका से। और हमारे जो कार्य किए जा रहे हैं, श्वसन हो, कुछ भी, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ भी, ये सब किसके कारण, ये सब है सेल के कारण। भाई पोषण, हमें क्या चाहिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो ये सब किसमें होगा, सजीव के अंदर। श्वसन हो गया भाई, हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो ऑक्सीकरण होता है उनका, तभी तो हमें ऑटो प्राप्त होती है उस ऑक्सीडेशन से। तो ये भी किसके अंदर होता है, सजीव के अंदर। उत्सर्जन, कुछ भी पदार्थ हमने खाया वो बाहर निकाल दिया, ये भी क्या, उत्सर्जन की क्रिया, यानी एक्सट्रेशन। ये भी किसके अंदर होगा, सजीव के अंदर होगा। बात करें गति की, तो गति में एक पॉइंट है कि जो निम्न कोटि के जो पादप होते हैं और निम्न कोटि के जो कुछ समुद्री जो जीव है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में गति गति होती है। जैसे कि मैं हो गया, गति कर रहा हूँ, पेड़ पौधे भी आ गए, गति करते हैं, बट उनकी गति कैसी होती है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। हमारी कैसी होती है, हमारी तो किसी भी दिशा में हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं मृत्यु, सजीव का जो है, जो सच अपन कह सकते हैं, जो मूलभूत कैरेक्टर है, ये क्या मृत्यु है। मतलब कि भाई ये निश्चित है कि जो एक सजीव ने अगर इस धरती पे आया है तो उस सजीव की मृत्यु निश्चित है, वो मरेगा जरूर, उसकी डेथ होगी जरूर। अब अपन डेथ की किस प्रकार से बात करेंगे, प्राकृतिक कारण से। भाई ऐसा नहीं है कि किसी सजीव का एक्सीडेंट हो गया तो जल्दी मर गया, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अपन बात क्या करेंगे, सिर्फ कि भैया जो सजीव होता है उसकी डेथ होती है, जबकि निर्जीव की डेथ का कोई है नहीं। भाई ये मर जाएगा क्या, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या, नहीं होगा। आप इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, अस्तित्व फिर भी समाप्त नहीं होगा इसका, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका रह जाएगा। अपन इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसको किसी और चीज में परिवर्तित कर सकते हैं, बट क्या है, सजीव को कर सकते हैं क्या, क्या मैं किसी और चीज के अंदर ट्रांसफर हो सकता हूं, नहीं ना। तो इस प्रकार से क्या है, हर सजीव का क्या होता है, कैरेक्टर लक्षण होता है मृत्यु के। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। भाई क्या होता है लाइफ साइकिल, जीवन जो अवधि होती है, जीवन जो चक्र होता है, क्या होता है, देखिए कोई भी सजीव है तो जो कोई भी जो सजीव होता है, जब से पैदा हुआ है, पैदा होने से लेकर क्या होता है, इसके जीवन में कुछ स्टेप आती है। जैसे कि मैं पैदा हुआ था तो क्या होता, बाल्यावस्था आई थी, बाल्यावस्था के बाद फिर मैं किशोरावस्था में आया, किशोरावस्था के बाद फिर मैं किसमें आया, वयस्क बना, फिर वयस्क के बाद अब जो मैं आगे के स्टेज में आऊंगा वो क्या होगी, वृद्धावस्था होगी, उसके बाद मेरा क्या होगा, ये प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी, ये डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जीवन मैंने जिया है इसे क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी कोई भी जो सजीव है, आप जो आपकी पूरी जिंदगी में जो जीवन जियोगे वो क्या है, आपका लाइफ स्पैन, यानी कि वो आपकी जीवन अवधि होगी, ठीक है। तो हर सजीव का कैरेक्टर होता है ये कि वो जीवन अवधि जीता है। जैसे कि अपन बात करें तो वुमेन की कितनी है, लगभग अभी 70 साल एक औसतन आयु जीता है मनुष्य, अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 70 साल तक ही एक मनुष्य का जीवन काल है। जैसे कि बात करें कछुआ जो होता है 200 वर्ष जीता है, तो 200 वर्ष के भीतर इसमें जो भी क्रियाएं की ये सब किसके अंदर आ जाएगी, उसकी जीवन अवधि के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं जो पीपल का वृक्ष हो गया, ये 2000 वर्ष तक जीता है, तो ये क्या हो जाएगी, 2000 वर्ष तक इसके जो क्रियाएं चली वो सारी क्रियाएं कौन सी हो जाएगी इसकी, ये सब जीवन अवधि के अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ कैरेक्टर थे जो बेसिक थे कि भैया ये लक्षण भी होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, सजीव के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा जीव जगत के बारे में, द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हमने क्या पढ़ा, जीव के बारे में समझा।
जीव के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में जाना, सजीव में कौन कौन से लक्षण है जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये सजीव है। अब आपसे मैं कहूं कि आप इस व्हाइट बोर्ड में और मेरे में कुछ कम से कम 10 लक्षण बताओ तो आप इजीली बता दोगे, क्योंकि अब क्या अपन समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं चीजों के बारे में, या किसी भी निर्जीव चीज में और सजीव में आपसे डिफरेंस कराए तो आप इजीली बता दोगे कि किस किस में ये चीज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यह समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर वगैरह जो भी आपका मन पड़े कर दो। ठीक है, तो बस समाप्त करते हैं, गुड बाय।